जय हिंद भाई सभी को। आपके पास में 20 से 25 दिन का समय बचा, 20 से 25 दिन में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी होती है देख लीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित होगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और उनको आप प्रैक्टिकली करिए, फिर देखिए आपके नंबर कैसे इंप्रूव हो जाते हैं। 90% जो बच्चे गलती करते हैं वो आपको नहीं करना, केवल 1% मात्र बच्चे हैं जो इस फॉर्मूले से पढ़ते हैं अंतिम के दिनों में। देखिए ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, फिक्स मॉक टेस्ट लगाते हैं एक, ठीक है। कुछ बच्चे जो इंटेलिजेंट होते हैं थोड़े बहुत, वो क्या करते हैं मॉक टेस्ट का एनालाइज भी करते हैं कि किस किस टॉपिक से किस कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और फिर उन पे पढ़ाई करते हैं। लेकिन जो मैं चीजें बताने जा रहा हूं इसे बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं उनका 100% टारगेट पूरा होता है। कैसे पढ़ना है देखिए, अंतिम दिनों में आप में से 90% बच्चे, यानी 99% मान के चलिए, हर रोज इस समय प्रतिदिन एक टेस्ट लगा रहा है क्योंकि 20 दिन का समय बचा है और टेस्ट में अपनी स्पीड को इंप्रूव करना चाहता है। लेकिन उसके साथ में आपको एक काम करना, वो काम क्या देखिए, आप टेस्ट लगाते हैं, आपको सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स करना है। टारगेट कैसे फिक्स करना है, मान के चलिए कि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं, और राजस्थान में ओबीसी की मेरिट कितनी जाती है आपने डिसाइड किया कि 130 पिछली मेरिट गई थी। ऐसे ही आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपके स्टेट की पिछली मेरिट देख लीजिए, आपकी कैटेगरी वाइज जो नंबर आपने फिक्स किया, मान के चलिए कि ये 130 नंबर आपके राजस्थान की मेरिट पिछली बार गई, उससे ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पिछली बार एज में 3 साल की छूट थी, तो ये नंबर आप बहुत अच्छा मान सकते हैं, आपके पास में बहुत अच्छा विकल्प है, इसको ही आप 100% मान लीजिए चलिए कि पिछली बार जितनी कट ऑफ गई थी उससे ऊपर किसी भी कंडीशन में इस बार कट ऑफ नहीं जाएगी। तो अब करना क्या, देखो मॉक टेस्ट आप लगाते हो प्रतिदिन, उसके बाद में आप एनालाइज करते हैं कि आपके कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने नंबर जा रहे हैं, फिर आप ये करते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना वो सारे यही करते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए और कौन सा टॉपिक मुझे नहीं आता। इसमें थोड़ी सी चीज ऐड कर लेनी है, वो ऐड क्या करनी है मैं आपको बता दूं। आप क्या करिए, अपनी कैटेगरी वाइज जैसे मैंने बताया कि आपके 130 नंबर राजस्थान से जाते हैं, अब आप 130 नंबर को डिवाइड करो कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना टारगेट बनाना है, इसको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करो। समझ गए आपको कि इस सब्जेक्ट में मुझे इतना टारगेट करना है, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट, जैसे मान के चलिए 4 सब्जेक्ट है, आप सभी को पता है भाई आपने, आप जिसको मैथ अच्छी आती है तो उसको क्या करना है, मैथ में टारगेट करना है कि मैं कम से कम 19 या 20 नंबर इसमें क्वेश्चन पक्का कर दूंगा। फिर आप रीजनिंग को करिए कि मैं रीजनिंग में भी कम से कम 19 से 20 क्वेश्चन कर ही दूंगा। फिर आप हिंदी को करिए कि मेरे को जितने आपको नंबर चाहिए उस हिसाब से, अगर राजस्थान से है तो कम से कम उसको 65 क्वेश्चन से ही करना पड़ेगा 80 में से, तो उसको उसी हिसाब से फिर टारगेट अपना डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और जीके तो उसको उसी हिसाब से फिक्स करना पड़ेगा। तो मान के चलिए अब आप 20-20 ऐसे टारगेट कर रहे हैं तो सभी में पूरे के पूरे नंबर आना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको ये टारगेट पहले से बना लेना चाहिए कि मुझे सब्जेक्ट में कितने नंबर लाने की कोशिश करनी है। मान के चलिए कि जिनकी मैथ अच्छी है वो 19 से 20 आराम से स्कोर कर सकते हैं, वो रीजनिंग में भी 19 से 20 कर देंगे, लेकिन वो हिंदी में 20 की बजाय 18 कर पाएंगे, 1-2 नंबर कम हो जाएगा। तो यहां पर मान के चलो अगर हम 1-1 नंबर कम माने 19 और 19 38 और 18 56 और 10 66, अगर 66 क्वेश्चन उनके सही हुए तो नंबर हो जाएंगे 132, 1-2 क्वेश्चन गलत होके भी 130 के आसपास टारगेट पहुंच गया। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, अब लगाना है मॉक टेस्ट। अब मान के चलिए आपने मॉक टेस्ट लगाया और मॉक टेस्ट में ये देखिए कि क्या आपने जो सब नंबर अपने डिसाइड किए हैं उस नंबर के हिसाब से आपके नंबर बन रहे हैं, या कौन से सब्जेक्ट में आपको मेहनत की जरूरत है, इससे निकल जाएगा आपका सिस्टम पूरा का पूरा। तो आपने मॉक टेस्ट लगाया, मान के चलो कि आपने जो मॉक टेस्ट लगाया उसमें आपके 18 नंबर आए, मैथ में, रीजनिंग में आपके 17 आए, हिंदी में आपके मान के चलिए कि 17 नंबर आए और जीके में आपके मान के चलो 13 नंबर आए। तो आप ये डिसाइड करना है कि मैंने यहां पर 19 नंबर डिसाइड किया था, मेरा 1 नंबर कहां जा रहा है, मैं ये आपके 2-3 नंबर का मारे थे किस वजह से कट रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन जो कट रहे हैं किस वजह से कट रहे हैं, कौन से टॉपिक के कट रहे हैं, फिर उस टॉपिक को कवर करिए। यानी जिस सब्जेक्ट में आप जितना टारगेट बना रहा है, आपको जितना टारगेट चाहिए वो पहले से डिसाइड करो, फिर मॉक टेस्ट लगाओ और फिर उसकी तुलना करो, तब जाके नंबर आएगा। यानी 90% बच्चे क्या करते हैं, एक हिसाब से सारे तैयारी करते रहते हैं, ऐसा नहीं, आपके स्टेट की आपकी कैटेगरी की जो मेरिट जाती है ना उसको टारगेट करिए। अब जैसे मान के चलिए कि उड़ीसा से या कोई बंगाल से, उनके यहाँ की कटो बहुत कम जाती है, समझ गए आपको, उनके यहाँ की कटो बहुत कम जाती है, तो उनको क्या टारगेट करना चाहिए, उनको टारगेट ये करना चाहिए
कि वहां की मेरिट देख से मान के चलिए पिछली बार 90 नंबर पर गई है, यानी 45 क्वेश्चन उनको सही करना है, तो उनको डिसाइड कर लेना चाहिए कि मेरी मैथ नहीं आती मेरे को, तो मैथ में मैं 5 क्वेश्चन ही सही कर पाऊंगा, रीजनिंग में कर लूंगा तो 15 क्वेश्चन में रीजनिंग में कर लूंगा, मैं हिंदी में 15 कर लूंगा और जीके में मैं ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 कर दूंगा, तो 15 और 15 30 और 10 40 और 5 45 और 45 आपका काम हो जाएगा। ये इस प्रकार से डिसाइड करिए। अब आपने इस प्रकार से डिसाइड किया तो इस प्रकार से आपके मॉक टेस्ट में नंबर भी आने चाहिए, अगर नहीं आ रहे हैं तो उसमें उस नंबर तक आप इंप्रूव करिए। अंतिम के जो समय में सबसे बढ़िया तैयारी करने का तरीका वो ये है। दूसरा कि जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आप में जैसे मैथ में मैथ का लगाया आपके 3 क्वेश्चन गलत हुए, आपको ये सोचना है कि 3 क्वेश्चन कौन से टॉपिक है, अगले दिन तक उस टॉपिक की इतनी प्रैक्टिस करिए कि अगले दिन उस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपका मॉक टेस्ट में खराब ना जाए, यानी 100% नंबर आ जाए। यानी जो 2 टॉपिक या 3 टॉपिक के क्वेश्चन आपका गलत गया है उसको इतना रट दीजिए, इतनी प्रैक्टिस करिए अगले दिन तक कि अगले दिन अगर उन टॉपिकों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका सही होगा ही होगा, तो इससे आपकी मैथ क्लियर हो जाएगी। सेम रीजनिंग में आप फॉर्मूला अपनाइए, हिंदी में आप देखिए कि आपकी कहां गलती हो रही है, उस टॉपिक का उतना ही अभ्यास करिए कि अगली बार पेपर में उसकी कोई भी गलती ना हो। जीके में आप पूरा कवर नहीं कर सकते तो जीके में 7 तैयारी करिए। 7 तैयारी कैसे, जैसे करण जीके पढ़ करिए, करण से 4 से 5 क्वेश्चन फंस जाएंगे, पॉलिटिकल पढ़ लीजिए, स्टैटिक जीके पढ़ लीजिए, इसे आपके 10 नंबर तक आप इंप्रूव कर सकते हैं, और समय मिल रहा है तो ज्योग्राफी को भी खींच दीजिए, ऐसे करके आप 10-12 नंबर। ध्यान रखिए जीके में आप मैक्सिमम, अगर कोई बच्चा बहुत अच्छी जीके है तो भी 15 और नंबर से ऊपर टारगेट मत कर लेना। मैथ रीजनिंग में आप 20 में से 20 और 19 तो कम से कम हर एक बच्चा टारगेट कर सकता है अगर आपकी तैयारी अच्छी है। अब जिनको नंबर कम चाहिए, जिनकी मैथ कमजोर है, तो उनको टारगेट करना चाहिए हिंदी और रीजनिंग को, और उसमें इंप्रूव लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप इस प्रकार से डेली तैयारी करोगे, अपना टारगेट पहले लिख लोगे कि हाँ मुझे इतने नंबर चाहिए, मेरे स्टेट से, मैं ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं या ऐसी कैटेगरी में मैं लड़की हूं, मेरे को 90 नंबर लाना है, तो सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि आप कौन से जो पार्ट आपका जो अच्छा है, जैसे मान के चलिए आपका रीजनिंग अच्छा है तो आप रीजनिंग में 15 से 20 तक जा सकते हैं। सेकेंडरी हिंदी में हर एक बच्चा नंबर ला सकता है तो आप यहां पर भी 15 से 20 तक जा सकते हैं। आपको मैथ कमजोर है, मैथ को छोड़िए, जीके में आप कुछ जीके जैसे करंट जीके है उनको बार बार पढ़े अभ्यास करोगे तो भी 10 नंबर ला सकते हो, तो भी आपके 40 यहां आओगे। और मैथ के 2-3 टॉपिक, यानी आपको 5 क्वेश्चन, यानी जो सरल लगते हैं, जैसे साधारण ब्याज होगी, साझा होगी, अगर साधारण ब्याज, साझा, मिश्रण या लाभ हानि, प्रतिशत, इनमें से कोई भी जो टॉपिक आपको आता उस टॉपिक को इतना रट दीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक से कम 1 से 2 क्वेश्चन निकलेंगे भाई। साधारण ब्याज का 1 क्वेश्चन पक्का, साझा का 1 से 2 क्वेश्चन पक्का, और औसत के 2 क्वेश्चन, ये लीजिए आपका यहीं पे 4 क्वेश्चनों का काम हो गया। 3 टॉपिक तो आप कर सकते हैं अभ्यास करके, अरे 3 टॉपिक ही नहीं सीख सकते, मैथ का ऐसा हो नहीं सकता। इस प्रकार से अपनी तैयारी करिए, फिर देखिए आपका नंबर कैसे नहीं आता। इस प्रकार से अगर आप तैयारी करोगे ना, आपका नंबर को रोक नहीं पाएगा, समझे बात को। जय हिंद, जय भारत।